आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू रॉड। आज हम इस वीडियो में कुछ कॉम्पिटेटिव टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि जेई एडवांस, नीट एग्ज़ाम और जो भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको काफ़ी नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू रॉड। यहाँ पर हमारे पास ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है, उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया है। रॉड की लेंथ है कैपिटल L। अब हमें करना क्या है, रॉड की एक्सिस में ही हमने यहाँ पर एक पॉइंट P एज्यूम करा हुआ है और हमको यहाँ पर इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करनी है कि इस रॉड की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ रही है। इस रॉड के इस एंड से यहाँ तक की दूरी हमने मानी हुई है स्मॉल a। तो देखिए इसको करने के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पी पॉइंट पर हम करेंगे क्या, पूरी कंप्लीट फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कंप्लीट की वजह से कभी नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन एज्यूम करेंगे, काफ़ी छोटा पोर्शन जिसकी लेंथ होगी डी एक्स, और इस छोटे से पोर्शन में काफ़ी छोटा चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम जो है चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं डी क्यू, और मान लेते हैं कंप्लीट रॉड पर चार्ज है क्यू, और इस छोटे से पोर्शन पे हो जाएगा काफ़ी छोटा चार्ज, दैट इज़ डी क्यू। अब देखिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, जब भी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में स्पेशली जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक कंसिडर करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सिंपल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्मॉल पोर्शन है इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। ये जो स्मॉल पोर्शन है क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। अब जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इस ये किधर भागेगा, रिपल्शन से इधर जाना चाहेगा, यानी इस स्मॉल पोर्शन की जो फील्ड लाइन है वो होंगी इधर साइड। और अगर ये स्मॉल चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी स्मॉल होगी, तो हम उसे बोल देते हैं डी ई। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा डायग्राम कम्प्लीट। अब एक और बात, यहाँ पर ये जो स्मॉल पोर्शन है यहाँ से लेके जिस पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है वहाँ तक की हम डिस्टेंस एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने ये डायग्राम तो कंप्लीट कर लिया, अब हम सबसे पहले ये जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, सपोज कर लेते हैं सोर्स चार्ज है हमारे पास स्मॉल क्यू, इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी एक चार्ज की वजह से 1/4πε0 q ओवर r स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर ये जो हमने स्मॉल पोर्शन एज्यूम करा है इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर, यानी हमें वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे डी ई की। डी ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई दिस स्मॉल पोर्शन। अब देखिए डी ई को कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ इसी फॉर्मूले की हम यहाँ हेल्प लेंगे, 1/4πε0। अब देखिए क्यू है यहाँ चार्ज, पर हम जो है इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कितना चार्ज है डी क्यू। इस पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, पी पॉइंट पर, तो इस पोर्शन की यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मानी हुई है एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब बात आती है बच्चों की, यहाँ पर ये जो स्मॉल आपने पोर्शन लिया है इसमें कितना चार्ज है, क्योंकि पूरी रॉड पे तो हमें पता है कि स्मॉल क्यू है, पर इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम पढ़ चुके हैं एक टॉपिक लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जब किसी भी स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट पर चार्ज को छोड़ा जाता है तो उस पर चार्ज की वैल्यू हम इस कंसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करा जाता है। लैम्डा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए इस लेंथ में हमें चार्ज चाहिए डी एक्स लेंथ में, यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज है यहाँ डी क्यू और लेंथ है डी एक्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए डी क्यू की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डी एक्स। ये हमको चार्ज मिल चुका है इस स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल चार्ज को हम रख देंगे डी ई में, डी ई इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन। हमें क्या करना है, डेरिवेशन में हमें कंप्लीट रॉड की वजह से इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हमें डी ई मिल चुका है तो इसके बाद बहुत ही इजी स्टेप है इंटीग्रेशन। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, ई इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, क्योंकि जब हम डी ई का इंटीग्रेशन करेंगे हमको मिलेगा ई। तो हम ये करते क्या है, डी ई की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो रॉड है ये फाइनाइट लेंथ की है, तो हमें पता होना चाहिए रॉड की किस एंड से लेके किस एंड तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम देखिए यहाँ लिमिट और रखेंगे, लिमिट कैसे रखी जाएंगी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आती है लोअर लिमिट जिसकी वैल्यू होती है बहुत स्मॉल, यहाँ आती है अपर लिमिट, यहाँ वैल्यू होती है थोड़ी लार्ज, इससे है ना जो लोअर लिमिट होती है। एक तो रॉड के इस एंड से पता करनी है इस पॉइंट पी पर, तो इसकी दूरी है स्मॉल ए, यहाँ हम लिख देते हैं स्मॉल ए। और एक हमें पता करना है इस एंड से इस पॉइंट पी पर कितनी फील्ड है, तो इस एंड से यहाँ तक की दूरी देखिए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ एल है, एल में अगर मैं ए को जोड़ देता हूँ तो मुझे ये टोटल लेंथ मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लिमिट आएगी ए प्लस एल, स्मॉल ए प्लस कैपिटल एल, दीज आर द लिमिट्स। अब देखिए इंटीग्रेशन की बारी आती है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाएगा, जितना भी कांस्टेंट टर्म उसको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। पता कैसे करते हैं, कांस्टेंट डी एक्स ऑपरेटर आ रहा है तो एक्स यहाँ वेरिएबल होगा क्योंकि डी एक्स में एक्स है। अब यहाँ से हम 1/4πε0 को लेंगे बाहर, लैम्डा भी हमारे पास बचेगा ए से ए प्लस एल, एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स की पावर -2d है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन, ये आपको पता ही होगा, एक्स की पावर एन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो रिजल्ट आता है एक्स की पावर एन प्लस 1/(n+1)। इसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की पावर एन का, 1/4πε0 लैम्डा एक्स की पावर -2+1/(-2+1) लिमिट आ जाएंगी यहाँ ए से ए प्लस एल। अब देखिए रिजल्ट आया 1/4πε0 लैम्डा एक्स की पावर -1/(-1) ए से ए प्लस एल। अब हम क्या करते हैं, जो -1 है इसको बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, -1/4πε0 लैम्डा, और ये जो एक्स की पावर -1 है इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं लिमिट ए से ए प्लस एल। अब बारी आती है लिमिट रखने की, तो देखिए लिमिट कैसे रखी जाएंगी, -1/4πε0 लैम्डा, सबसे पहले हम रखेंगे अपर लिमिट 1/(a+l) माइनस, फिर रखते हैं लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह 1/(a)। अब देखिए इस माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा जिससे ये दोनों टर्म शफल हो जाएंगे यानी शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आएगा 1/4πε0 लैम्डा, 1/(a) पहले आ जाएगा और 1/(a+l) चला जाएगा लास्ट में, बिकॉज हमने यहाँ पर माइनस का प्रोडक्ट कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई पी पॉइंट पर डी टू कम्प्लीट रॉड इज दिस। ये बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले पर काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, प्रैक्टिस करिए डेरिवेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।